स्वागत है। मैं आज डिस्कस करूंगा घनमूल कैसे क्यूब रूट निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। हमारे नए टेक्निक्स जो भी मैथमेटिक्स में आ रहे हैं, अकाउंट्स में आ रहे हैं, इंग्लिश में आ रहे हैं, जो भी टेक्निक्स आ रहे हैं वो आपको ऑटोमेटिक आपके ईमेल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिसका आपको फायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं घनमूल कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट, ठीक है। पहले मैं आपका क्यूब लिख देता हूं 1 to 9 तक, जिससे आपको निकालने में यूजली होगा। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। आपको इजीली ये याद होनी चाहिए किसी भी घनमूल निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए ये आपको नंबर याद होना चाहिए। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे निकालते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं 2744, इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। और पहले देख लेते हैं 2744, हम इसका लास्ट डिजिट, ये वाला नंबर है, इस वाले में हम मैच करेंगे, कहां से मैच हो रहा है, ठीक है। देखिए 4 इसके लास्ट डिजिट से मैच कराएंगे, लास्ट डिजिट इससे मैच हो रहा है सिर्फ 4 से, यानी कि आपका 4 निकल गया, लास्ट डिजिट आपका निकल चुका है, ठीक है। ये लास्ट डिजिट हो गया, अब 3 नंबर को ब्लॉक कर देंगे, करेक्ट। अब जो आया 2, अब 2 को यहां मैच करेंगे, 2 या 2 से कम, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा 2 से कम, नहीं कि 2 से ज्यादा, 2 या 2 से कम, लेस देन 2, इसमें मैच करेंगे कहां पे आ रहा है। देखिए लेस देन 2 यहां पे आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 1, आपका आंसर हो जाएगा 14, 2744 का घनमूल रूट होता है 14, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 50653, ठीक है, इसका घनमूल रूट क्या होगा, ठीक है। सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं 50653, 3 कहां पे है वो मैच कराते हैं पहले, 3 3 3 3 3 3 3 3 है इसका लास्ट, इसका लास्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट मैच हो रहा है 7, आपका लास्ट नंबर तो निकल गया 7, ठीक है। 3 नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, बचा 50 मैच कराते हैं, 50 से कम या 50 से कम कौन सा नंबर हो सकता है। देखिए ये 64 है, इसका मतलब 64 इससे ज्यादा रहा तो 27 ही होगा, 50 या 50 से लेस देन 50, 27 आ रहा है, 27 का जो वैल्यू है वो 3 है, ये आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि 50653 = 37। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 3 175616, ठीक है, इसका क्या होगा, Q
क्यूब रूट, ठीक है। फिर सर ऐसे सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, 16 पहला लास्ट वाले डिजिट मैच करवाते हैं, कहां से मैच कर रहा है, ये आपका मैच कर रहा है यहां पे, ठीक है। तो आपका जो लास्ट वैल्यू हो जाएगा वो मिल गया है 6, ठीक है। अब 3 नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। 175 को मैच करवाते हैं, कहां से मैच करेगा, 175 या लेस देन 175, 216 ये ग्रेटर देन है, लेस देन है 125, इसका वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एकदम इजी, ठीक है। चौथा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये सबको समझ में आ जाएगा प्रॉपर। 614125 बड़ी नंबर है, इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोसेस सेम फॉलो, 614125 इसका लास्ट नंबर है 5, इसे मैच कराते हैं पहले, ये मैच कर रहा है 5 यहाँ पे, तो इसका जो लास्ट नंबर होगा 5, ये तो निकल गया आपका, ठीक है। अब 3 नंबर को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अब 614 मैच करवाते हैं यहाँ पे, 614 किधर है, इधर 512 मैच करना है, 614 या लेस देन 614, 614 तो नहीं है, ग्रेटर देन 729 है, इससे तो लेस देन ये 512 है, तो 512 की जो वैल्यू है 8 है, ये हो जाएगा आपका आंसर। देख लिया आपने कैसे इजीली आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अपना कमेंट सजेशन और अपना जो इशू फेस कर रहे हैं वो अपना इशू कमेंट बॉक्स में डालें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।